ओके, तो नेक्स्ट अब हम इनका प्रूफ जो है वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, अगर मेरे पास एच रैंडम वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू लेस देन है ए से, अगर एच रैंडम वेरिएबल लेस देन है ए से, लाइक वो यहाँ पे समवेयर अराउंड लाइक आ रहा है, अगर उस सूरत में हमारे पास वैल्यू जो है डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी की वो ज़ीरो होगी। अगर मेरा एच लाई करता है ओवर दिस रेंज इंटरवल डेट इज़ ए टू बी, इस सूरत में हम पीडीएफ के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, लाइक माइनस इन्फिनिटी से एच है तो हमारे पास रेंज जो गिवन है ए से एच रैंडम वेरिएबल तक हमने निकालनी है। सो लोअर पॉइंट पे इंटीग्रल की वैल्यू में ए आ जाएगा और एच तक हमने इंटीग्रेट करना है, तो एच हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी इंटीग्रेशन की। एफ एच जो है वो हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि हमारे पास था 1/d-a। तो यहाँ पे हमने एफ एच की वैल्यू लिख दी और इसको इन टर्म ऑफ डी यू जो है हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट किया तो 1 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी यू ओवर d-a एज इट इज ही रहेगा, और लिमिट जो है हमारे पास एच से ए तक यहाँ पे गिवन है। अब फर्स्ट आप एच को ऐड करें यू में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एच ओवर d-a माइनस फार्मूले का, और जब ए को सब्सिट्यूट करेंगे यू में तो ये आ जाएगा ए ओवर b-a। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी एच माइनस ए ओवर b-a, जो कि आपको पीछे प्रीवियस स्लाइड के अंदर h2 - h1 के साथ डोनेट किया हुआ था। सो एट पॉइंट बी जो है हमारे पास, अगर हम इसी के अंदर सब्सिट्यूट कर देते हैं बी, जब एच हमारे पास बी होगा तो डेट इज़ b-a/b-a, जब ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। तो जब आपका रैंडम वेरिएबल लाई करेगा एट पॉइंट बी, तो आपके पास जो एरिया की वैल्यू होगी वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन है आपका इस रेंज से भी, तो डेफिनेटली वो ओवरऑल जो एरिया अंडर द कर्व है वो 1 है। तो यहाँ पे भी आंसर आपके पास फंक्शन का सी डी एफ के फंक्शन की सूरत में 1 ही रहेगा। सी डी एफ का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि हाउ बी प्लस ए या ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास इसका पीडीएफ का ग्राफ है, दैट इज 1/b-a इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ दिस फंक्शन एंड ए एंड बी इज द इंटरवल रेंज। तो हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए, लाइक मीन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे इसको रेंज ओवर ए टू बी, जो कि हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं। एक्स एफ एक्स डी एस एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फार्मूला हमने प्रीवियस प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स के रिव्यू के अंदर कवर किया था, अब इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, डेट इज 1/b-a, एक्स एज इट इज रहेगा और डी एस के साथ हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा h² / 2 और रेंज आ जाएगी हमारे पास ए से बी। अब 1 by 1 हम इसके अंदर सब्सिट्यूट करेंगे एच की वैल्यू बी और ए, तो ये मेरे पास जो टर्म बन जाएगी फाइनल टर्म, दैट इज b² - a² डिवाइडेड बाई 2b-a। अब इसी स्क्वेयर को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक b-a टाइम्स b+a, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा b² - a² 2b-a डिनोमिनेटर का एज इट इज नीचे रहेगा और ये टर्म आपकी इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज a+b या b+a डिवाइडेड बाई 2। सेम अब हम यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला है फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन b-a² / 12। अगेन हम पीडीएफ के फंक्शन को ही यूज़ करेंगे, फार्मूला जो है हमारे पास वेरिएंस का, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² - एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो हमें पता है, दैट इज a+b/2। तो हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे अपने फंक्शन को ए से बी रेंज में, इसमें h² f(x) dx आ जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x². अब यहाँ पे h² एज इट इज रहेगा, फंक्शन की वैल्यू हमने जब सब्सिट्यूट की, डेट इज 1/b-a dx। 1/b-a को हम साइड पे मतलब रिमूव इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, और h² की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगी h³/3 और रेंज हमारे पास है ए से बी।
अब हम अगेन इसके अंदर वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे लाइक प्रीवियसली जैसे हमने की, तो आंसर आ जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी माइनस ए रेज टू पावर 3। अब हम इस बी क्यूब माइनस ए क्यूब और बी माइनस ए टाइम्स 3 है, ये इसका क्यूब नहीं है, ये 3 इसके डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये लार्ज ऐसे रहा है कि इसका डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। इन वैल्यूज को हमने इस वेरियंस के फार्मूले के अंदर सब्सिट्यूट कर देना है, दैट इज वेरियंस ऑफ एच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच होल स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही हमारे पास जो हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज बी क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर 3 टाइम्स बी माइनस ए, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच जो हमने प्रीवियस लाइफ में कैलकुलेट की थी दैट इज ए प्लस बी ओवर 2। तो यहाँ पे हम इसका चूंकि स्क्वायर है तो जब स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 इंटू बी माइनस ए, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3 बी माइनस ए ए प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको किस तरह से रिजोल्व करेंगे, लाइक यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, तो ये आ जाएगा 4 बी क्यूब माइनस 4 ए क्यूब माइनस 3 बी माइनस 3 ए, और यहाँ पे हम इसका स्केयर ओपन कर लें दैट इज ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर। ये जो हमारे पास टर्म है बी माइनस ए और ए प्लस बी स्केयर, ये हम जब इसको रिजोल्व करेंगे ए प्लस बी स्केयर, तो ये हमारे पास टर्म इस तरह से बन जाएगी। ओके तो अब हमने इसको अगेन ओपन कर दिया, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है इन टू टर्म्स को, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 ए स्केयर बी माइनस 3 ए बी स्केयर माइनस 3 बी क्यूब प्लस, अब इस सेकेंड टर्म को हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 ए क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। देन हम इसको सबसे रिजोल्व कर लेते हैं लाइक 4 बी क्यूब माइनस 3 बी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, सेम हमारे पास नेक्स्ट ए क्यूब के लिए आ जाएगा माइनस 4 ए क्यूब प्लस यहाँ पे है 3 ए क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब। देन यहाँ पे मेरे पास 3 ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे मेरे पास है 6 ए स्क्वायर बी, 6 में से 3 गए तो ये आ गया 3 ए स्क्वायर बी एंड सेम 3 ए बी स्क्वायर। अब हम इसको रिजोल्व इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं बी माइनस ए रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 एज इट इज रहेगा और बी माइनस ए एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो ये टर्म इससे कट जाएगी, तो रिमेन हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो स्क्वायर रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इस तरह से हम वेरियंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।